20 सालों तक मैं खुद का पेट भरने के लिए भटकता रहा, क्योंकि मैं सिर्फ अघोरी के साथ रहता था, लेकिन मुझे सभी तांत्रिक क्रियाएं नहीं आती थी तो मेरा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। तो मैंने अब पिशाचवश करने की सोची और साल भर से मैं किसी की तलाश कर रहा था। हर ऐसे गांव में जाकर जहां बाज औरतें हैं, मैंने यह विधि पूरी करने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हो सका। फिर मैं तुम्हारे गांव में आया। मैंने एक पूरा सप्ताह तुम पर नजर रखी और फिर यह विधि आयोजित की, जिसमें मैं पूरी तरह से कामयाब हो गया। अब मुझे एक सहायक की आवश्यकता है और मेरे लिए यह काम तुम करोगे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ, यह तुम अच्छी तरह से जानते हो। और जब मेरा अंतस्मय आ जाएगा, तब मैं यह पिशाचा तुम्हें ही सौंप दूंगा। इसके बदले तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि हर महीने की अमावस को बलि देने के लिए एक बच्चा तुम्हें लाना होगा। कन्नम ने बात पूरी की। मैंने उससे पूछा कि यह काम वह पिशाच से क्यों नहीं करवाता, तो उसने कहा कि यही एक काम है जो पिशाच नहीं कर सकता, हमें पिशाच के लिए करना पड़ेगा। मैं मन में बहुत डर गया था। मैं सोचने लगा कि जब मैंने अपनी बीवी का कत्ल किया था, तब मैं होश में नहीं था और मेरा खुद पर काबू भी नहीं था, लेकिन अब मैं पूरे होश में था और ऐसा घिनौना काम फिर से नहीं करना चाहता था। तो मैंने सोचा कि जैसे तैसे इस तांत्रिक से अपना पीछा छुड़ा लूं, फिर देखा जाए कि क्या होगा। अमावस की रात जैसे जैसे करीब आने लगी, वैसे वैसे कन्नम मुझे किसी बच्चे को लाने के लिए पीछे पड़ गया। मैंने भी कह दिया कि मैं एक बच्चे को चुन चुका हूँ और बड़ी आसानी से मैं अमावस को उसे वहाँ लाऊंगा, वह बलि की तैयारी की तरफ ध्यान दे। इतना कहने पर भी तांत्रिक निश्चिंत नहीं हुआ था, क्योंकि यह उसके जिंदगी और मौत का सवाल था। उसने मुझे उसी दिन उस बच्चे को हाजिर करने को कहा। मैंने कहा ठीक है और बाहर निकल पड़ा। 2 दिन बाद ही अमावस थी, लेकिन मैं वापस उस जगह तभी गया जब अमावस हो चुकी थी। मैंने वहां जाकर देखा कि कन्नम का सिर्फ शरीर पड़ा है, जिसका सर नहीं है, तो मैं समझ गया कि अमावस को पिशाच अपनी बलि लेने के लिए आया होगा और ना मिलने पर उसने कन्नम का सर खा लिया। कन्नम की चाह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। ना मेरा घर बचा, ना मेरा परिवार, ना ही मैं अब मेरे गांव ही वापस जा सकता था। मैंने बहुत देर तक कन्नम के शरीर के पास बैठकर सोचा कि आगे क्या करूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा था। मैंने कन्नम के घर यानी उस खंडहर की तलाशी ली। कोई कीमती चीज तो नहीं मिली, लेकिन एक मंत्रों की किताब मिल गई, जिसमें बहुत से टोटकों की जानकारी थी। मैंने वह किताब उठाई तो उसी जगह पर मुझे और एक कागज दिखा, जिस पर हाथ से कुछ लिखा हुआ था। थोड़ा सा पढ़ने पर मुझे पता चला कि वह अंजन बनाने की और इस्तेमाल करने की विधि है। मैंने वहां से एक थैला उठाया, उसमें वह किताब और वह कागज डाल दिया और चल पड़ा अपनी किस्मत की परीक्षा लेने के लिए। पास ही के पहाड़ पर मुझे एक गुफा मिल गई, जहां पर कोई आता जात नहीं था और कोई जंगली जानवर भी नहीं थे। पास ही झरना बहता था, तो पीने के पानी की कोई समस्या नहीं थी। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बस्ती थी, जहाँ से मैं भिक्षा मांग कर लाता और दिन भर उन टोटकों को सिद्ध करने की कोशिश करता। मैंने सबसे आसान लगने वाले टोटके, जिसमें कोई बलि या किसी की हत्या की जरूरत ना हो, चुने और वशीकरण, दूसरों की मन की बात जान लेना आदि टोटके सिद्ध कर लिए। मैं अब अंजन तैयार करने के पीछे लग गया। उसके लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता थी, जिन चीजों का नाम तक मैंने कभी नहीं सुना था। लेकिन मैं कभी कभार बस्ती में किसी से बात करता था, तो वह लोग कई चीजों की जानकारी दे देते थे, और मुझे उसका और एक फायदा यह हुआ कि वह लोग मुझे अब मांत्रिक कहने लगे थे। मैं भी कभी किसी का बच्चा बीमार हो जाए या किसी का जानवर, किसी की बेटी को बच्चा नहीं होता हो, उसके लिए अपने पास से टोटके कर देता था। उनको जब उसके परिणाम अच्छे मिले, तो वह मुझे और भी ज्यादा मान देने लगे। जैसे ही मेरे पास वह सब चीजें जमा हो गई जिनकी अंजन बनाने के लिए जरूरत थी, मैंने रात दिन एक करके अंजन बना ही दिया। अंजन बनाने की विधि लिखने वाले ने यह भी चेतावनी लिखी थी कि यदि अंजन ठीक से नहीं बना, तो वह आंख में लगाने वाला हमेशा के लिए अंधा बन जाएगा। मेरा मन दुविधा में पड़ गया कि मैं क्या करूं, कैसे पता चले कि मेरा बनाया हुआ अंजन सही तरह का बना हुआ है। वह तो आंख में लगाने से ही पता चल सकता था।
मैंने आर या पार का निश्चय कर लिया और भगवान का नाम लेकर वह अंजन अपने आँखों में लगाया। पहले मेरे आँखों में इतना तेज दर्द हुआ कि जैसे खौलता हुआ तेल मेरे आँखों में पड़ गया हो। मुझे लगा कि मेरी आँखें चली गई, मैं अंधा बन गया। मैंने जो अंजन बनाया था वह गलत बना था। ऐसे कई विचार मेरे मन में आ रहे थे। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, गुफा की दीवारों पर अपने सर को पटक रहा था। कुछ देर बाद जब थोड़ा सा दर्द कम हुआ और धुंधला नजर भी आने लगा तो लगा कि मैं पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ हूँ। लेकिन मेरी आँखों को कुछ भी नहीं हुआ था और अंजन भी सही सही बना था, यह मुझे तुरंत पता चला। जैसे ही मैंने अपनी आँखों को छुआ वह बिल्कुल बर्फ सी ठंडी महसूस हुई। अब समस्या यह थी कि अंजन का प्रथम प्रयोग कहाँ किया जाए। मैंने 2 दिन का समय जाने दिया। जब मैं मेरे आँखों की ठंडक का आदि हो गया तो मैं तुरंत उस बस्ती में गया जहाँ भिक्षा के लिए जाता था। 2 दिन आँखों के दर्द के कारण ना मैं भिक्षा के लिए गया था ना कुछ खाया था। जोरों से भूख लगी थी। मैं बस्ती में गया तो लोगों ने पूछा कि 2 दिन क्यों नहीं आए। मैंने बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने मुझे उसके घर पर भोजन के लिए बुलाया। क्योंकि मुझे बस्ती में बहुत मान था तो मैं मना नहीं कर सका। और दूसरा कारण यह भी था कि अब मुझ में इतनी ताकत नहीं थी कि यहाँ से भिक्षा लेकर वह गुफा में जाकर खाऊं। जब मैं उस आदमी के घर पहुँचा जिसका नाम आत्माराम था, उसकी पत्नी ने भोजन परोसा। मैंने उसे भी अपने साथ बैठने के लिए कहा। हम दोनों ने भोजन किया और भोजन के बाद जब हम गप्पे लड़ाने के लिए बैठे तो मैंने अभी तक भूख की वजह से ध्यान नहीं दिया था कि वह आदमी बहुत गरीब था। घर बहुत साधारण था और सामान तो न के बराबर था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम्हारा गुजारा ठीक से नहीं चलता, तो उसने बताया कि उसे तब से काम करने के लिए मन नहीं लगता जब से किसी बुजुर्ग ने यह बताया कि उसके दादाजी ने बहुत सारा धन एक घड़े में बंद करके खेत में कहीं गाड़ दिया है, तो तब से वह दिन भर खेत का एक एक हिस्सा खोदता रहता है, इसलिए बाकी चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए समय नहीं मिलता। उसकी बीवी ही किसी खेत पर रोजी के लिए जाती थी जिससे जैसे तैसे उनका गुजारा चल जाता था। जैसे ही मैंने खेत में धन की बात सुनी, मुझे अंजन की परीक्षा लेने का मौका दिखा। मैंने उसे कहा कि अगर मैं उसे उस धन का सही पता दूं तो क्या मुझे वह उसमें से आधा धन देगा, तो उसने मेरी बात मान ली। उसी रात मैं उसे लेकर उसके खेत में गया। जैसा कि मैंने अंजन के उपयोग के बारे में पढ़ा था, उसके लिए हिरण के सिंग चाहिए थे जो मेरे पास पहले से थे। मैं उसमें से खेत को देखने लगा। हिरण का सिंग आंख पर लगाते ही जमीन मानो जैसे कांच की बनी हुई हो ऐसी दिखने लगी। दूर एक आम के वृक्ष के नीचे मुझे कुछ चमकता दिखाई दिया। मैं आत्माराम के साथ उस वृक्ष के पास गया तो मैंने फिर से हिरण का सिंग आंखों पर लगाया और उसके जड़ की तरफ देखने लगा। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने स्पष्ट रूप से एक पीतला का घड़ा उसके अंदर के सोने सहित जमीन के अंदर कम से कम 3 हाथ नीचे देखा। मैंने आत्माराम को वहां खोदने के लिए कहा, क्योंकि वह 10-12 सालों से सिर्फ खोदने का ही काम कर रहा था, तो उसने कुछ ही देर में 3 हाथ गहरा गड्ढा खोद डाला और घड़ा साफ तौर से दिखाई देने लगा। हम दोनों ने मिलकर वह ऊपर निकाला जो बहुत वजनदार था। उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। जैसा कि तय हुआ था, उसने ईमानदारी से उसमें से आधे सिक्के मुझे दिए। मैंने उसे एक कपड़े में बांधकर अपनी गुफा की ओर चल पड़ा और वह अपने घर की ओर। दूसरे दिन पूरी बस्ती में यह बात फैल गई। मेरी गुफा के चारों ओर तो मानो मेला लग गया था। उस दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। खजाना ढूंढने वाला मांत्रिक, इसी नाम से मेरी प्रसिद्धि हो गई। अब मेरे पास ज्यादातर ऐसे ही लोग आते जिनको अपने खेत या घर से गड़ा हुआ धन निकालना हो, पर हर जगह धन होता ही था ऐसा नहीं है। कई जगह सिर्फ अफवाहें होती थी। फिर भी मैंने कई लोगों के घर के खजाने ढूंढने में मदद की और उसमें से आधा हिस्सा कमाया। लेकिन अब तक की मेरी सबसे ज्यादा कमाई सिर्फ 500 सिक्कों की थी। मैंने जब तुम्हारे मुंह से तुम्हारे खानदानी खजाने के बारे सुना तो मुझे लगा कि अगर यह खजाना ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद कर सका तो मुझे जिंदगी भर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी कहानी तुम्हें
इसलिए बताई कि जब मैं तुमसे आधे खजाने की मांग करूं तो तुम मुझे लालची ना समझो। मांत्रिक बाबू ने बोलना खत्म किया। राव साहब ने कहा, यह सब सुनकर मेरा आपके प्रति विश्वास और भी बढ़ गया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब खजाना मिलेगा तब उसमें से आधा खजाना मैं आपको दूंगा। मांत्रिक बाबू ने फिर राव साहब से कहा कि हर खजाने की खोज की शुरुआत उसके जगह के पता चलने पर ही होती है, और जैसा कि राव साहब ने बताया था कि उसके पुरखों ने उनका खजाना समुद्र में डुबो दिया है, तो बाबू ने उससे पूछा कि उसे यह बात कैसे पता चली। राव साहब ने एक बही के बारे में बताया जिसमें उसके परदादा ने खजाने के बारे में लिखा था। बाबू को भी राव साहब ने वह बही दिखाई जिसमें लिखा हुआ था, थे खजाने बहुत दुनिया में लेकिन यह खजाना खोजना नहीं है मुमकिन। भर जाते कुएं साथ ऐसी वह राशि धन की, देखकर वैभव सारा मिट जाती प्यास मन की। क्या कारण था पता नहीं जो आया इसकी राह में, पुश्ते कितनी चली गई इस धनराशि की चाह में। कई वीरों ने प्राण त्याग दिए धन पर्वत के इस शोध में, लेकिन डुबा दी गई अनंत धन राशि सागर तीर्थ की गोद में। बाबू ने उस बही में लिखी यह पंक्तियां पढ़ी तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। हालांकि रत्नागिरी के पास समुद्र तो था, लेकिन बाबू को यह नहीं समझ आ रहा था कि बिना किसी के जाने इतना सारा धन समुद्र में डुबाना मुमकिन नहीं है। किसी ने तो उसे देखना चाहिए था, क्योंकि अगर धन को सागर में डुबोने की बात सच है तो यह एक दिन में नहीं हो सकता था अगर इतना सारा धन था। बाबू ने भी बहुत सोचा मगर उसको इसका समाधान नहीं मिल पाया। उसने वह बही फिर से देखी तो उसे कई पन्नों पर कुछ उल्टे अक्षर जो आसानी से नजर भी नहीं आते और पढ़े भी नहीं जाते थे दिखाई दिए। उसने उस कागज को उठाकर प्रकाश की ओर पकड़ा तो कुछ अक्षर नजर आए। उसने वह अक्षर कागज पर उतार दिए, वह उल्टे दिख रहे थे इसलिए आईने के सामने पकड़ लिए तो उसे एक नाम नजर आया, न्यावंती। मांत्रिक ने जल्दी से राव साहब को बुलाया और उसे उसके बारे में बताया जो उसे अभी पता चला था। न्यावंती नाम सुनकर राव साहब भी चौंक गया, क्योंकि मांत्रिक बाबू और राव साहब भी महाराष्ट्र के बाकी के लोगों की तरह इस प्राचीन लोक कथा के बारे में जानते थे कि न्यावंती नाम का एक ग्रंथ है जिससे पशु पक्षियों की भाषा समझी जा सकती है, लेकिन इसका संदर्भ इस खजाने से कैसे है यह समझ नहीं आ रहा था। राव साहब के हवेली पर एक नौकर काम करता था जिसका नाम था माणिक। उसने उन दोनों की बातें सुनी, वह भी अच्छी तरह से जानता था कि उसका का मालिक वर्षों से खजाने की खोज में लगा हुआ था, तो शायद उनको अपनी जानकारी से मदद हो जाए। यह सोचकर उसने राव साहब को कहा कि वह न्यावंती के बारे में कुछ जानता है। राव साहब ने बताने को कहा तो उसने बताया कि सुना है कि न्यावंती में समय में पीछे जाने का भी ज्ञान लिखा हुआ है, शायद आपके पुरखे उसकी मदद से वह खजाना खोजना चाहते हो। राव साहब और मांत्रिक बाबू दोनों ही उस बात से सहमत हो गए, क्योंकि न्यावंती के बारे में जितनी भी किंवदंतियां प्रचलित थी उसमें से यह भी एक थी। राव साहब ने पूछा, लेकिन माणिक यह तो बताओ यह न्यावंती असल में है भी या नहीं, क्योंकि मैंने आज तक कईयों के मुंह से इसके बारे में सुना है लेकिन मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जिसने पढ़ने की बात तो दूर न्यावंती देखी भी हो। वह कहाँ है यह तो मैं नहीं जानता हाँ, लेकिन उसे खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा यह बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो भी सुना है उसके अनुसार महाबेश्वर के जंगलों में बाजिंद रहता है, उसे न्यावंती के बारे में जरूर पता होगा क्योंकि वह भी जानवरों की भाषा बोलता है, माणिक ने बताया। ठीक है, तो फिर हम खुद ही बाजन को ढूंढेंगे और उससे न्यावंती के बारे में पता लगाएंगे। इतने सालों के बाद अब जाकर कोई सुराग मिला है खजाने के बारे में तो अब इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, मांत्रिक ने भी सहमति दर्शाई। अगले भाग के लिए नीचे टिप्पणी करें कि आप इसे कितना चाहते हैं। यह हमारी कहानी नहीं है और इस कहानी के असली मालिक को विवरण में श्रेय दिया गया है, कृपया उनके ब्लॉग देखें, वे अद्भुत हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। क्या आपने ब्रह्मराक्षस की डरावनी कहानी देखी है?